जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आपने कभी ना कभी इंडियन आर्म फोर्सेस जैसे कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी के व्हीकल्स को जरूर देखा होगा और आपने उन व्हीकल्स पर लगी नंबर प्लेट को भी जरूर देखा होगा। तो आपने ये भी जरूर नोटिस किया होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेज के व्हीकल्स की जो नंबर प्लेट होती है उनके नंबर आम नागरिकों के जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनके नंबर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो क्या आपको पता है कि उन नंबर्स का क्या मतलब होता है? तो आज इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के व्हीकल्स पर जो नंबर लिखे होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ऐसे ही इंडियन डिफेंस से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पूरे देश भर में आम नागरिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ से किया जाता है और ये नंबर वाहन के आगे और पीछे की तरफ लगाए जाते हैं। इन व्हीकल्स को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का पालन करना पड़ता है जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाते हैं। और वहीं आर्म फोर्सेस के व्हीकल्स पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स लागू नहीं होते हैं और ये आर्म फोर्सेस व्हीकल्स रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं और ये रक्षा मंत्रालय के तहत ही पंजीकृत भी होते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी बेहद खास होता है जिसे पढ़ना आसान नहीं होता है। तो आइए जानते हैं आर्म फोर्सेस के व्हीकल्स पर लिखे नंबर्स का क्या मतलब होता है। आर्म फोर्सेस के व्हीकल्स पर एक अपवर्ड तीर का निशान होता है जिसे कि ब्रॉड एरो कहा जाता है। इसे अंग्रेजों के जमाने से ही इस्तेमाल किया जा रहा है और इस एरो का मतलब होता है कि ये एक सरकारी संपत्ति है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों में आज भी इसका प्रचलन है। इस तीर के निशान का फायदा यह होता है कि नंबर गलत नहीं पढ़ा जाता। अगर नंबर प्लेट उलट भी हो जाए तो तीर के निशान के आगे से ही उसे पढ़ा जाएगा। तीर के निशान के बाद आगे दो अंक लिखे होते हैं जो उस व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग और इंडक्शन डेट को दर्शाते हैं और इन टू डिजिट्स के बाद एक अल्फाबेट आता है जो कि व्हीकल्स की क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ए अल्फाबेट टू व्हील व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, बी अल्फाबेट कार्स एंड जीप्स को रिप्रेजेंट करता है, सी अल्फाबेट लाइट मोटर व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा डी अल्फाबेट हैवी मोटर व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा ई अल्फाबेट स्पेशल व्हीकल्स को, एफ अल्फाबेट क्रेन्स को, जी अल्फाबेट बुलडोजर को, एन बी अल्फाबेट पोर्टेबल जनरेटर को, के अल्फाबेट एम्बुलेंस को, पी अल्फाबेट आर्मी बस को और एक्स अल्फाबेट आर्मर व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। व्हीकल्स की क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाबेट के बाद व्हीकल्स का 6 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद लास्ट में एक चेक कोड आता है जो कि एक अल्फाबेट होता है। दोस्तों इसके साथ ही व्हीकल के दूसरे साइड एक और नंबर लिखा होता है जिसके साथ डिवीजन या फिर कमांड का इंसिग्निया भी होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि व्हीकल कौन से डिवीजन या फिर कमांड के अंडर में आता है और इस नंबर से ये पता लगता है कि व्हीकल कौन से आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स इसके अलावा आपने कभी आर्म फोर्सेस के जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उन पर पीले रंग के गोले में कुछ नंबर्स लिखे हुए देखे होंगे। ये नंबर्स उस व्हीकल की क्षमता को दर्शाते हैं यानी कि वह व्हीकल कितने टन का वजन कैरी कर सकता है। आइए बात करते हैं नंबर प्लेट्स के ऊपर लगे स्टार्स के बारे में। दोस्तों इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल, एयरफोर्स में एयरफोर्स मार्शल और नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट के व्हीकल्स पर 5 स्टार्स होते हैं। इसके अलावा इन तीनों सर्विसेज के जो चीफ होते हैं वो एक 4 स्टार रैंक ऑफिसर्स होते हैं, इसीलिए उनकी गाड़ी पर 4 स्टार्स मौजूद होते हैं। सिमिलरली लेफ्टिनेंट जनरल या उसके इक्विवेलेंट रैंक पर मौजूद ऑफिसर्स के व्हीकल्स पर 3 स्टार्स होते हैं। इसके अलावा मेजर जनरल या फिर उसके इक्विवेलेंट रैंक पर मौजूद ऑफिसर्स के व्हीकल्स पर 2 स्टार्स होते हैं और ब्रिगेडियर या उसके इक्विवेलेंट रैंक पर मौजूद ऑफिसर्स के व्हीकल पर 1 स्टार होता है। सो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपने जाना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के व्हीकल्स की नंबर प्लेट पे लिखे हुए नंबर्स का क्या मतलब होता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमने यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।